और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। ये पूरा ऑपरेशन मिशन मोड में अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया और एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। इस रिपोर्ट को देखिए। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सोमवार का है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया था, मगर उनकी बातों में श्रमिकों के लिए चिंता, उनको सुरक्षित निकालने की प्लानिंग साफ झलक रही थी। पीएम मोदी की यही कोशिश और यही सटीक प्लानिंग रंग लाई। सभी 41 मजदूरों को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे। हर रोज सुबह और शाम पीएम मोदी सीएम धामी को फोन करते और उत्तरकाशी के टनल का अपडेट लेते, श्रमिकों का हालचाल जानते। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक बदस्तूर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी मशीनरी को मिशन मोड में एक्टिवेट कर दिया था, सारी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया और मिलकर काम करने का मंत्र दिया। मिशन मोड में तो मिशन मोड भी कंप्लीट हो गया और आखिरकार 17 दिन के बाद 41 मजदूर उस टनल से बाहर भी आ गए। इसी के साथ ही इस खबर इस